ऐसी ही बहू। अरे भी आ रही हूँ, इतना गेट मत बजाओ। नैना हाथों में पापड़ की थाली लेकर उतरती है और मालती कहती है, अरे बहू दूध मैं ले लूंगी, तू रख दे पापड़ पहले रसोई में। नहीं नहीं मम्मी जी आप रहने दो, मैंने बोला ना मैं कर लूंगी खुद। अरे कभी सुन भी लिया कर बहू। नैना एक हाथ में पापड़ की थाली लिए दूसरे हाथ में दूध का टोपिया लेकर दूध डलवाने लगती है। भाभी जी दूध गिर जाएगा इस तरह, एक साथ दोनों काम क्यों करने हैं, पहले आप पापड़ की थाली रखाओ। अरे भैया आप उसकी फिक्र छोड़ो ना, मुझे आदत है, जब तक जाकर रख के आऊँगी उतनी देर में दूध ले ही लूँगी, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने मायके में भी ऐसे ही करती थी। मुझे क्या है, गिर भी जाएगा तो आपको सोचना है, मेरा क्या जाएगा। दूध वाला दूध देकर चला जाता है। देखा दोनों काम हो गए। नैना दोनों हाथ में बर्तन लिए रसोई में जाती है पर दूध का पतीला हिलने लगता है, पतीला संभालने के चक्कर में पापड़ की थाल गिर जाती है और आवाज सुनकर मालती कहती है, हो गया ना, फिर कोई गड़बड़ कर दी, इतनी बार बोलने पर भी ना तू सुनती नहीं बहू। अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी जी। मालती जानती है कि नैना कभी मानेगी ही नहीं कि उससे कुछ हुआ है, इसलिए मालती खुद जाकर देखती है। अच्छा हुआ दूध नहीं गिरा, मेरा तो कलेजा ही पकड़ा गया, चलो पापड़ ही गिरा। मैंने तो कहा ही था मम्मी जी कुछ नहीं हुआ। पापड़ टूट जाते हैं, फिर नैना रसोई में जाकर पापड़ रख देती है। टूटे हुए पापड़ ना मसाला पापड़ बनाने में काम आ जाएंगे, दोपहर का खाना बना लेती हूँ। नैना एक तरफ चावल के लिए पानी चढ़ाती है, दूसरी तरफ आयरन करने लगती है। जब तक पानी गर्म होगा तब तक एक कपड़ा आयरन हो भी जाएगा। नैना मालती की साड़ी आयरन करने लगती है और उधर पानी उबल कर गिरने की आवाज़ आती है। नैना आयरन साड़ी पर ही रख कर रसोई में भागती है और पानी में चावल डालती है और फिर भूल जाती है कि कपड़े आयरन के लिए पड़े हैं। साड़ी जलने की बदबू आने से मालती कहती है, ए बहू कुछ जलने की बदबू आ रही है। नहीं तो मम्मी जी कुछ भी नहीं जल रहा, मैं रसोई में ही हूँ। ये लड़की सुनेगी नहीं, मुझे ही देखना होगा। मालती हर जगह देखती है और फिर देखती है कि उसकी साड़ी जल रही है। वो तुरंत आयरन ऑफ कर देती है और जोर से आवाज देते हुए नैना से कहती है, अरे बहू ये क्या किया, मेरी साड़ी जला दी तूने, एक बार में 10 काम करने की आदत से घर में आग लग जाएगी एक दिन। नैना उंगली अपने मुंह में दबाकर धीरे से कहती है, ओह आयरन लगाकर भूल गई थी, अच्छा हुआ कि मम्मी जी की साड़ी ही जली है। वो भागती हुई कमरे में जाती है और साड़ी हाथ में लेकर कहती है, अरे मम्मी जी थोड़ी सी ही तो जली है, साड़ी रफू हो जाएगी। थोड़ी सी का क्या मतलब है, जब तुझसे नहीं होता तो छोड़ देना, मुझे करने भी नहीं देती कोई काम और खुद ऐसा करती है। अरे मम्मी जी याद आया, काम वाली साड़ी मांग रही थी, ये साड़ी उसे दे दूंगी और आपके लिए नया ला दूंगी, वैसे भी ना ये पुरानी हो गई है। मस का मत लगा बहू, मैं सब समझती हूँ। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और नैना कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती है। एक रोज सुबह हर्ष को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, वो हड़बड़ाने लगता है, मैं निकलता हूँ नैना, बाहर ही कुछ खा लूंगा, दर्श को स्कूल भी छोड़ना है। आप नाश्ता कर लो, मैं आपका और दर्श का बैग तैयार कर देती हूँ। देखना उसमें मेरी फाइल डाल देना। अरे तुम मुझे मत बताओ, मैं डाल दूंगी। नैना हर्ष के बैग में लैपटॉप टिफिन पानी रख देती है लेकिन फाइल की जगह दर्श की कॉपी रख देती है। इधर दर्श के बैग में टिफिन के साथ हर्ष की फाइल रख देती है। लो बैग रेडी हो गया। ठीक है चलता हूँ मैं। हर्ष दर्श को स्कूल छोड़कर ऑफिस चला जाता है पर वहाँ अपनी फाइल ना मिलने पर वो नैना को कॉल करता है। नैना मेरी फाइल कहाँ है, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं कर रहा था, दर्श की कॉपी मेरे बैग में क्या कर रही है। ओ शिट, वो गलती से आपकी फाइल दर्श के बैग में चली गई। तुम ना कोई गड़बड़ करती ही रहती हो, मैंने क्यों विश्वास कर लिया। अरे ऐसी भी कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हुई, स्कूल बगल में ही तो है, जाओ जाकर ले लो। अरे यार तुम एक काम करती हो और दूसरा बढ़ा देती हो। तभी बिजली चेक करने वाला आता है। मैडम पिछले महीने भी आपने बिल नहीं भरा था। अरे ठीक है ना, इस महीने एक साथ भर दूंगी, वैसे भी मुझे बाजार जाना है, राशन वाले का बिल देना है तो आपका भी भर दूंगी। जी मैडम जी। बिजली वाला मीटर चेक करके नया बिल निकाल कर दे देता है। बाबा रे इतना बिल, 10,000, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मैं कल ही भर के आती हूँ। नैना राशन वाले को फ़ोन करती है, भैया ज़रा आपका बिल तो भेज देना। अभी भेजता हूँ मैडम। राशन वाला बिल भेजता है, चलो 1,000 ही है। रात को नैना हर्ष के घर आते ही उससे पैसे मांगने लगती है। देखो मुझे बिजली का बिल और राशन वाले को भी पैसे देने हैं, मुझे पैसे चाहिए।
तुम रहने दो, फिर कोई ना कोई गड़बड़ करोगी। इससे अच्छा है कि मैं ही दे आऊँ। अरे नहीं, मुझे बाजार में और भी बहुत काम है, मैं दे आऊंगी ना। ठीक है बाबा, तुम ही चली जाना। हर्ष नैना को उसी वक्त पैसे दे देता है। ये पैसे लो और मुझे चाय पानी पिलाओ। नैना नोटों को हाथों से हिलाती हुई रसोई में चली जाती है। नोटों की हवा तो बहुत अच्छी आती है। चाय और पानी अलग अलग 10 बार थोड़ी ना देने जाऊंगी, एक बार ही ले जाती हूँ। आज जो निमकी बनाई थी वो भी ले जाती हूँ। नैना एक हाथ में चाय, दूसरे हाथ में पानी की गिलास, ऊपर प्लेट में निमकी लेकर एक साथ हर्ष को देने जाती है। और 2-4 सामान एक साथ ले आती, अब धीरे धीरे आओ, गिरा मत देना। आप तो रहने दो, मुझे ताने मत दो। नैना हर्ष तक पहुंचती चाय का ग्लास उस पर गिरा देती है। मेरा प्यार जल गया, मुझे नहीं पीनी ऐसी चाय। चाय पिलाने को कहा था ना कि जलाने को। हर्ष तुरंत बाथरूम में जाकर नहाता है। पानी और चाय अलग अलग ले आती तो पता नहीं क्या हो जाता। काम करने की जगह हमेशा बढ़ा देती हो तुम। इतनी भी कोई आफत नहीं आ गई जितना तुम बोल रहे हो। चाय गिरनी थी तो गिर गई, खाली चाय लाती और वो गिर जाती तो क्या करते तुम? ठीक है पापा, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। नैना मुंह बनाकर चली जाती है। अगले दिन नैना बाजार जाती है और बिजली का बिल लेना भूल जाती है। बिजली का बिल शायद 1000 का था। एक काम करती हूँ, पहले बिल भराती हूँ। नैना बिजली वाले को 1000 जमा कर देती है, फिर अपना शॉपिंग कर घर वापस चली जाती है। घर जाकर उसे याद आता है कि राशन वाली को भी तो पैसे नहीं दिए। एक काम करती हूँ, काम वाली से भिजवा देती हूँ। 10,000 देकर नैना काम वाली को राशन की दुकान भेज देती है, जहाँ जाकर काम वाली को पता चलता है कि राशन का बिल तो 1000 ही है। भाभी हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करती है, ये पैसे रख कर भैया को दे दूँगी। अगले दिन मालती नैना से कहती है, बहू मुझे शादी में जाना है, ब्लाउज सिलवाना होगा, तू मुझे दर्जी के पास ले चल। मम्मी जी आप क्या करेंगी जाकर, मुझे ही समझा दीजिए, मैं दे आऊँगी। ठीक है, ये ले मेरी नापी, इस नापी से एक साइज बड़ा करवा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं बोल दूँगी। नैना सोचती है कि मालती के साथ साथ वो भी अपना ब्लाउज बनवाने दे दे। बहती गंगा में हाथ धो ले नैना, उसी पैसे से अपना ब्लाउज बनवा लूँगी। नैना दर्जी के पास जाकर उसे दोनों का ब्लाउज देती है, लेकिन नापी गलत बता देती है। भैया मुझे ना अगले हफ्ते किसी भी तरह ब्लाउज चाहिए। मिल जाएगा। अगले हफ्ते ब्लाउज आता है। मालती अपना ब्लाउज खोलकर कहती है, बहू तूने अपना नापी का तो नहीं बनवा दिया, ये मेरे साइज का नहीं लग रहा। नहीं मम्मी जी, आप पहन कर देखो तो, आपकी साइज का ही बनवाया है मैंने। मालती ब्लाउज पहनती है और ब्लाउज में ही अटक जाती है। ए बहू ये देख, ऐसा ब्लाउज बनवाया तूने, अब क्या पहनूंगी मैं। देख तू ऐसा करती ना, इसीलिए मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आता है। इतने में ही लाइन कट जाती है और हर्ष आकर कहता है, बिजली वाले ने हमारे घर की बिजली काट दी। नैना तुमने बिजली बिल नहीं भरा था क्या? अरे भरा था मैंने। भरा था तो ये बिल देखो जरा। बिल देखते ही नैना अपने माथे पर हाथ रख लेती है। ओह मैंने राशन वाले को दे दिए, अब क्या होगा? अब क्या होगा क्या, रहो बिना बिजली के, तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं है, एक साथ 10 काम करने। बिना लाइन के मैं नहीं रह सकती, आप बिजली वाले को बोलकर वापस लाइन लगवाइए ना। ये मजाक है क्या? बहुत पैसे लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा क्या है, मैं तो छत पर ही जाकर सो जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसे नहीं करूंगी, राशन वाले से पैसे वापस ले आओ ना। और वो वापस दे देगा क्या? ठीक है मैं अपने कंगन बेच आती हूँ, लेकिन आप मुझे लाइन लगवा कर दीजिए। नैना अपनी गलती पर पछताती है और रोने लगती है। तभी हर्ष जाकर फ्यूज़ लगा देता है और लाइन आ जाती है। लाइन देखकर नैना की आंखों में कई सवाल आ जाते हैं। लाइन कटी नहीं थी, मैंने यह सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। तुमने काम वाली को 10,000 देकर राशन वाले के पास भेजा था, उसने मुझे सब बता दिया और पैसे भी वापस कर दिए, जिससे मैं बिजली का बिल भराया। भले ही लेट से हो लेकिन काम सही तरीके से करो, तुम टाइम बचाने में और काम बढ़ा देती हो। नहीं जी आगे से अब ऐसा नहीं होगा। अरब से नैना एक वक्त पर एक ही काम करती है। जुड़वा बीवियां। प्रीति मेरी बीवी साहिबा, आज तुम्हारे लिए मैं खास फूलों के बागों से फ्रेश फूलों का ये गुलदस्ता बनवा कर लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। मैंने सोचा कभी कभी अपनी बीवियों को गिफ्ट देना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई तीज त्योहार या एनिवर्सरी के वक्त ही हो। और हाँ,
तुम ना ये बात अपनी जुड़वा बहन करीना को मत बताना, उसे पता चला तो वो तो मेरी जान खा जाएगी। और तभी अचानक से करीना ही पीछे मुड़ती है और करीना को कमरे में देखकर अभिमन्यु हैरानी से चौंक जाता है। अरे करीना, तुम पीछे से बाल बाल देखकर और वन साइड से देखा तो लगा कि प्रीति है। देखो तुम गलत मतलब मत निकालना, हाँ मैं ये फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे लिए भी लाया हूँ एक। अभी मुझे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे कम और प्रीतिका से ज्यादा प्यार करते हो। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। करीना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अरे करीना, करीना रुको तो, करीना। ये कहानी है अभिमन्यु की, जो दो जुड़वा बीवियां करीना और प्रीतिका का, जो दोनों एक डॉन की जुड़वा बिटियां होती हैं, उनका इकलौता पति है। डॉन की धमकी की वजह से अभिमन्यु को दोनों भी बहनों से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उन दोनों बीवियों को अभिमन्यु पसंद आ जाता है। अब घर में हर पल सिर्फ इसी बात की उलझन बनी रहती है कि करीना कौन और प्रीतिका कौन। सास राजनंदिनी और पति अभिमन्यु दोनों भी इस उलझन से परेशान रहते हैं। चलिए देखते हैं कैसी है ये जुड़वा बीवियों की कहानी। अभिमन्यु रात में रूठी हुई करीना को मनाने के लिए एक दिल के आकार का केक लाता है और कमरे को सुंदर तरह से सजाता है। वो देखता है कि करीना तो कंबल ओढ़कर सोई है। ओफो, ये करीना तो सो गई, चलो कोई ना, वैसे भी ये इस वक्त उठकर खाना खाती है, उठा ही देता हूँ उसे। अभिमन्यु की आवाज से करीना उठ जाती है और अपनी आंखें खोलती है और वो अभिमन्यु को देखती है। स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी, पर सच कहूं तो मैं प्रीति से भी ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। वो गुलदस्ता जो मैं उसके लिए लाया था ना, वो तो बस दिखावा था। चलो अब रूठो मत डार्लिंग, आओ ना, तुम्हारा फेवरेट रेड वेलवेट का केक लाया हूँ, चलो साथ मिलकर केक काटते हैं। तभी कंबल को फेंकते हुए पूरे गुस्से से आग बबूला होकर प्रीति का बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और बेड पर खड़ी रहकर गुस्से से अभिमन्यु पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे नहीं उस करीना की बच्ची से प्यार करते हो। अभी इट्स रियली नॉट फेयर, तुम धोखेबाज हो। नो, कंबल ओढ़े रहने की वजह से मैंने तो देखा ही नहीं कि साड़ी अलग है और ये करीना नहीं प्रीतिका है। काश मैं साड़ी देखकर पहले ही पहचान लेता। धीरे से क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो, हाँ क्यों? अब कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए जुबान पर लॉकडाउन लग गया तुम्हारे। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हारी खामोशी इस बात पर 100% मोहर लगा रही है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं अपने डॉन पापा को ही तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। अरे नहीं 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 प्रीतिका, प्रीतिका मेरी जान, तुम नीचे उतरो, नीचे उतरो, तुम ये फोन छोड़ दो और मेरी तरफ देखो। प्रीतिका माफ कर दो, बट डीप डाउन मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उस करीना से कई गुना ज्यादा। अब तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी होनहार हो, करीना तो बस मेकअप और पैसों से ही प्यार करती है डार्लिंग। अभिमन्यु जैसे ही तैसे प्रीतिका को मना लेता है और फिर मन ही मन कहता है, बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ मैं इन दोनों जुड़वा बीवियों के बीच, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई और बीच में बेचारा मैं, मुझ पर यह कैसी मुसीबत आ गई है भगवान। अगली सुबह करीना अपनी सास राजनंदिनी के लिए पूरी सब्जी और खीर का नाश्ता लेकर जाती है और उसे परोसती है। वाह 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 वाह, बहू हो तो ऐसी। मैंने सोचा रोज तो हम रूखा सूखा नाश्ता ही करते हैं, तो क्यों ना आज कुछ तूफानी हो जाए, मेरा मतलब आज कुछ अलग हो जाए। हाँ हाँ बहुत खूब, तू है ही बहुत अच्छी और सर्वगुण संपन्न बहू प्रीतिका, वरना तो करीना बहू बस दिन रात चुंबक की तरह अपने मेकअप और रील्स और ब्रांडेड कपड़े इन्हीं में व्यस्त रहती है। करीना नाम है तो खुद को करीना कपूर मानती है। तुम दोनों जुड़वा बहनों में एक तू ही बेस्ट है प्रीतिका बहू। तभी करीना जोर से कांच के ग्लास को फोड़ती है और गुस्से से कहती है, माँ जी आपकी जरूरत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। राजनंदिनी एकदम से घबरा जाती है,
क्या इसका मतलब है? तो करीना बहू है? हाँ, मैं ही करीना हूँ और आप मुझे प्रीतिका समझ बैठी और पता नहीं क्या क्या बुरा भला बोला मेरे बारे में। वाओ, आज दिख गया कि आप कितनी बड़ी गिरगिट हो, क्या रंग बदलती हो, बाय गॉड, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी। और हाँ, मैं घर का एक भी काम नहीं करूंगी। अब जाइए अपनी प्यारी लाडली दुलारी प्रीतिका बहू से ही अपनी सेवा करवाइए। ये कहकर करीना वहां से चली जाती है। हराम, ये दोनों बहुओं का गोलमाल एक दिन मेरे बेटे को और मुझे पागल बनाकर पागल खाने में ही भिजवा देगा। सच में ऐसे ही रोजाना घर में जुड़वा बीवियों के कारण कलेश होते ही रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद अभिमन्यु और प्रीतिका और करीना की शादी की सालगिरह आती है। अरे अभी बेटा, क्या हाल है? कल तेरी इन दोनों के साथ पहली शादी की सालगिरह है, क्या सोचा है फिर? मेरा तो पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो गया है माँ। दोनों से मैंने एक ही दिन शादी की और कल मेरी पहली सालगिरह है। समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्योंकि इन दोनों के लिए कितना भी करो, ये दोनों हर बात का बिल मेरे नाम पर ही फाड़ती हैं। उनके डॉन पापा ने बोला है कि एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन धूमधाम से 5-स्टार होटल में करो। अब वहीं करना होगा, किसी से कुछ पैसे भी ले लिए हैं उधार। और फिर बेचारे अभिमन्यु को मोटी रकम भरकर एक 5-स्टार होटल में अपने एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करना पड़ता है। प्रीतिका और करीना दोनों भी बहुत खुश होते हैं। उनके डॉन पापा पृथ्वीराज भी वहां आते हैं। वेल डन दामाद बाबू, अपन के दोनों बेटियों की खुशी देने के वास्ते दिल से अपन थैंक यू बोलता है। इन्हें ऐसे ही खुश रखना, समझे? हाँ जी पापा जी। अगले कुछ दिनों के लिए अपन सिंगापुर जा रहे हैं। अपन की बेटियों पर एक आज भी नहीं आनी मांगती, समझ गया ना? वरना तेरी हड्डी पसली एक कर देगा अपन। जी 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 जी, फिट कर लिया इस बात को मैंने अपने दिमाग में। आप टेंशन मत लीजिए पापा जी। अभिमन्यु अपनी जुड़वा बीवियों के साथ सालगिरह का केक काटता है और इस तरह बेहद खुशी से सालगिरह मनाता है। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और फिर जब अभिमन्यु एक आदमी से लिए हुए उधार पैसे चुका नहीं पाता तो वो आदमी गुस्से से उसे फोन पर कहता है, तेरी तो ऐसी के तैसी, अपनी बीवी के साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए तूने मुझसे पैसे उधार पर तो ले लिए और कहा कि 15 दिन में चुका दूंगा, और आज 20 दिन से ज्यादा हो गए और अब तक तू दे नहीं पा रहा पैसे। तू तो रुक, अभी अभी तुझे कैसे परेशान करता हूँ, बस देखता रहे। क्या मतलब? हेलो हेलो। उतने में फोन कॉल कट हो जाता है। फिर वो आदमी कुछ गुंडों के साथ अभिमन्यु के घर पर आता है। वहां पर प्रीतिका को देखकर गुंडे उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। बाद में जब अभिमन्यु घर आता है तो ये तो प्रीतिका है। हाँ, अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि करीना तो माँ के साथ मंदिर गई है। लेकिन हुआ क्या है इसे? ये खून, ओह गॉड, ये क्या हो गया? लेकिन खुशकिस्मती से प्रीतिका जिंदा रहती है और उसकी सांसें भी चल रही होती है। अभिमन्यु तुरंत प्रीतिका को हॉस्पिटल ले जाता है और फिर करीना और राज नंदिनी को भी सब बता देता है बाद में। आई एम वेरी श्योर ये उस आदमी ने ही किया है जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे। अभी तुमने मुझे और मेरी बहन को खुश करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, इतने सारे पैसे उधारी पे लिए, और वो आदमी, अब मैं उस आदमी को छोड़ूंगी नहीं। मुझे एक बात बताओ, उस आदमी को ये नहीं पता ना कि तुम्हारी जुड़वा बीवियां हैं? नहीं, शायद तो नहीं, क्योंकि मैंने उसके सामने सिर्फ बीवी कहकर ही जिक्र किया था, बीवियां नहीं। ओके, तुम टेंशन ना लो, उसे उसके पैसे तो सूद समेत मिल ही जाएंगे, लेकिन साथ साथ वो जेल भी जाएगा। और हाँ, तुम डरो मत, मैं पापा तक ये बात पहुंचने नहीं दूंगी। लेकिन तू ऐसा क्या करेगी करीना बहू? करीना एक सफेद साड़ी पहनकर भूतनी की तरह तैयार होती है और हाथ में मोमबत्ती लिए वो उस आदमी के घर जाती है, जहां वो आदमी अपने गुंडे दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा होता है। करीना को देखकर सभी का कलेजा कांप उठता है। अरे नहीं, ये तो उस अभिमन्यु की बीवी का भूत है। नहीं नहीं, बचाओ! क्यों क्यों मारा मुझे? तुझे क्या लगा?
तुझे मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मैं अब भूतनी बनकर अपनी मौत का और अपने पति का बदला लूंगी तुझसे। आज तो तेरी शामत तय है, घन चक्कर घोंचू आदमी। वो आदमी डर कर वहां से भागने लगता है और फिर भागते भागते वो एक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचता है, जहां वो अभिमन्यु, प्रीतिका और राज नंदिनी को कुछ पुलिस अफसर्स के साथ खड़ा देखता है। अरे डाटा, ये क्या घोटाला है? ये तो तेरी बीवी यहाँ पे, अरे तो वो कौन है? तभी करीना भी वहां पर आती है। मैं अभिमन्यु की ही बीवी हूँ, उसकी दो जुड़वा बीवियां हैं और तूने मेरी बहन को मारकर बहुत बुरा किया। वो तो शुक्र है कि वो बच गई, वरना मैं तुझको भी जिंदा मार देती। ये ले तेरे पैसे और जा जेल में जाकर चक्की पीस। गिरफ्तार कीजिए इस दरिंदे को इंस्पेक्टर साहब। तुझे खून करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, चल अंदर। पुलिस उस आदमी के साथ उसके गुंडों को भी पकड़कर उन्हें हथकड़ी पहना देती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कैद कर देते हैं। और फिर पहले जैसे अभिमन्यु अपनी दोनों जुड़वा बीवियों के साथ भागता डरता, अब तो वो खुशी खुशी रहने लगता है।